हमने शूट ना हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया और बहुत अच्छे अच्छे सीन्स भी शूट किए हमने जो आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे. तो स्टे कनेक्टेड और उडारियां के एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलना. कीप वॉचिंग उडारियां. थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग सो 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 मच लव ऑन अभिषा व्लॉग्स. यू गाइज आर लविंग अस टुगेदर एंड यू गाइज love watching our videos. That's really great and that's really so sweet. So keep watching it. तो हाँ guys, चलते हैं आज के topic के ऊपर. तो आज का जो topic है वो काफी ज्यादा ही exciting होने वाला है. और मेरी मम्मी आ गई है जिन्होंने gate पटक करके मारा है और आवाज आ गई है background में. हाँ तो मैं कह रही थी कि आज का topic है हमारे vlog का काफी ज्यादा exciting होने वाला है. जैसे wardrobe वाला मेरे लिए task था, वैसे ये वाला task अभिषेक के लिए है. उसके लिए थोड़ा सा मतलब वो डर रहा है, थोड़ा सा रिस्की सा है. और ये आपको वही बताएगा कि क्या टॉपिक है. तो मैं आपको फटाफट से मिलवा देती हूँ. और हमने आज भी व्लॉग शूट किया है लेकिन वो व्लॉग हम एपिसोड रिलीज होने के बाद डालेंगे. सो सी यू. मुझे लगता है आने लगा है, आने वाला होगा, मतलब सामने ही रहता है. आ गया पहले तो मुझे दे दो. आई नो आप उसे हैंडल नहीं हो रहे और यहाँ पे आ जाओ. सो गाइस आज आज हम मतलब मैं बलि का बकरा बनने वाला हूँ क्योंकि आज नहीं मतलब मेरी स्किन केयर होने वाली है. आज ईशा मेरी स्किन केयर करने वाली है क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी हार्श हो गई थी और पिंपल भी बहुत ज्यादा हो रहे थे. तो ईशा कहती है स्किन केयर और आप लोग भी एंजॉय कर लोगे. पर मेरे को थोड़ा बहुत डर लग रहा है कि मेरे पिंपल्स बहुत ज्यादा ना हो जाए. वैसे आप कमेंट बॉक्स में लड़कियां स्किन केयर करती हैं और कुछ कुछ लोग को इतने ज्यादा पजेसिव होते हैं अपनी स्किन को लेके दैट दे प्रेफर डूइंग स्किन. और हां गाइस मैंने वन सेकंड दे प्रेफर डूइंग स्किन केयर एवरी डे. सो गर्ल्स प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि क्या स्किन केयर से आज तक आपको कोई भी रिएक्शन हुआ है. अगर हुआ भी होगा और ईशा कर रही होगी तो वो नहीं होगा. तो इसलिए मैं करवाने आया हूँ. और इसने मेरे को बोला था मेकअप ही मत रिमूव करना. और हम अभी अभी सेट से ही आए हैं. तो हमारे सीन्स भी साथ में मैं तो खुश हूँ. इसके तो आते ही रहते हैं. मैं तो खुश हूँ. और अब स्किन केयर स्टार्ट करते हैं प्लीज. बट प्लीज ईशा अरे नहीं पहले तो तुम सबको बताओ कि कैसा लग रहा है तुम्हें. हाँ. और तुमने मुझे ये क्यों बोला कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा रिस्की है. हाँ तो मैं बताता हूँ क्योंकि मैंने आज तक फेशियल कुछ करवाया नहीं, ऐसे फेशियल या कुछ नहीं करवाया. तो मेरे को डर सा लग रहा है थोड़ा सा. और ये जो मैं ऐसे बोलने लगा हूँ ये मैं किसी से सीखा हूँ. कैसे बोलती है अरे क्या और गाइस इसकी एक चीज ऐसी है कि पता ही नहीं लगने दी कब नाराज है कब नहीं. पर अब मैं पकड़ लेता हूँ जितना मर्जी ये गंदी सी एक्टिंग कर ले अब मैं पकड़ लेता हूँ. और हाँ गाइस मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है बट मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ कि मतलब मेरी स्किन अच्छी हो जाए क्योंकि कल हमारे अरे चल चलो ठीक है गाइस स्टार्ट करते हैं. आप चलो. सो गाइस कल मेरी मम्मा ने खीर भेजी थी और ये आज जाके खा रही है. अभी भी टेस्टी लग रही है क्या. तो मम्मी की तारीफ तो करो. थैंक यू संध्या आंटी. इसका मैं एक चीज तो बताना भूल ही गया. मैं कोई भी गलती कर दूं ना जैसे कुछ भी गलत कर दूं या इधर भी कर दूं आई एम सॉरी संध्या आंटी ऐसे बोलती है. और मैं इसको बहुत ही कम दूंगी. चलो स्किन केयर करते हैं. और लड़कियों को तो वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद होती है स्किन केयर.
was so excited. Woo!
ओपन हो जाएंगे जो ब्लॉक हो गए हैं, क्योंकि हम लोग रोज बहुत ज्यादा मेकअप कराते हैं, मतलब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ये ज्यादा करवाते हैं, 3-3 लेयर्स मेरी वाइफ वाला है, जब तुम्हारे बेड पे भी मेकअप लगा था अभी एवरीवन ने, क्योंकि वो उस पर उसको कम करना था, बियर्ड को कम दिखाना था, इसलिए बियर्ड को कम दिखाना था। अब ये बात ही खींचता रहे तुम्हें, मेरी आदत कौन सी पसंद है, तुम लोगों का कोई आदत पसंद नहीं होगा, कौन सी पसंद आ रही है मुझे, जो तुमने सच बोला ना सर, मेरी कभी तारीफ नहीं करती भाई, ये तो मैंने कितनी तारीफ करी है इसकी, मेरे चल लगाओ यार। अरे ये क्या है,
हूँ और इतना तेज है, इसने पता है जैसे ही ब्लॉग शुरू हुआ इसने फोन रख दिया, वरना फोन चला ही जा रहा था ये। तो अब मैंने ये क्लिंजिंग कर दी है, फोनिंग कर दी है, स्क्रबिंग कर दी है, हाँ इतना सब हो गया है। ओके सो अगला स्टेप मैं स्किन पर जा फुल फेस पैक। अगला स्टेप मैं इसके ऊपर चारकोल फेस वॉश यूज करने वाली हूँ और उसके बाद मैं इसको लगाने वाली हूँ क्ले मास्क, जो मैं नया खरीद के लाई हूँ, मैं इसके ऊपर फर्स्ट टाइम लगाऊंगी, मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं लगाने वाली हूँ डेली डिटॉक्सिफायर और फिर उसके बाद 20 मिनट का हमारे पास गैप रहेगा क्योंकि उसको 20 मिनट बाद वॉश करना है। सो लेट्स गो। ये देखिए और ये जो चारकोल फेस वॉश होता है ये सारी की सारी डस्ट आपके स्किन से और फेस से पुल आउट कर देता है, तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। मैं तो रेगुलरली यूज करती हूँ, आप लोग भी क्या डेली यूज करते हो चारकोल फेस वॉश? क्योंकि इसको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है और वो सारा जो भी डेड स्किन है, जो भी डस्ट हमारे फेस पे होता है पूरे दिन का, वो हमारी स्किन से पुल आउट कर लेता है। तो इट्स रियली वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल। आई सजेस्ट यू गाइस टू यूज इट रेगुलरली बिकॉज आई आल्सो डू यूज इट और अब मैंने इसके फेस पे भी लगाना शुरू कर दिया है। तो मैंने इसका रूटीन बांध दिया है कि एक हफ्ते में इसका इतना पूरा प्रोसेस होगा स्किन का। अभी ये फर्स्ट टाइम इसलिए हम ब्लॉग बना रहे हैं लेकिन बार बार हम ब्लॉग नहीं बना पाएंगे। तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना कि क्या आप लोग भी अपने पार्टनर का स्किन केयर करते हो और पार्टनर वेरी सेम पार्टनर क्या पार्टनर तो ये बोलेंगे ना कि आप अपने पार्टनर का स्किन केयर करते हो। मैं क्वेश्चन आप भी क्या होता है मतलब क्या आप सब भी दूसरी लड़कियों से पूछ रही हूँ ना। हॉर्मोन पार्टनर है जीवन में दिक्कत हो जाएगी बहुत। क्लीन के गंदा किया नींद आ रही है मेरे को, रात के 1:30 बज चुके हैं ऑलमोस्ट 2 और ये स्किन केयर कर रहे हैं, मेरे को नींद आ रही है। इसका 5 बजे का कॉल टाइम है इसका और मेरा 1 बजे का, मतलब आराम से सो रहा हूं अभी। वो फोन ही करना, चलो पहले यहां सो मेरा फेवरेट स्टेप
रात के तीन बज चुके हैं ऑलमोस्ट 2:50 और इसका 5 बजे का फुल टाइम है बट हमने व्लॉग शूट करना था क्योंकि यार एक्चुअली
एक्चुअली हमारे पास बिल्कुल भी व्लॉग्स नहीं थे, तो मैं ये सोच रही थी कि अगर हम ऐसा ही सोचते रहेंगे तो फिर हम व्लॉग्स नहीं बना पाएंगे. दैट्स व्हाई वी गाइस डिसाइडेड टू स्किप आवर स्लीप फॉर वन डे. और हमने व्लॉग, हाँ हाँ काफी अच्छी लग रही है. तो रेड रेड सा टोन आ रहा है ना, मैं भी एक दिन करूंगी यार स्किन केयर. मुझे तो 7 डेज 7-8 डेज से भी ऊपर हो गया स्किन केयर की, मैंने किया नहीं है तो करूंगी मैं आराम से. और लास्ट स्टेप रह गया जो कि मॉइस्चराइजिंग है, तो वो तो मैं ऐसे इसको अपनी रेगुलर मॉइस्चराइजर लगा लेगा. तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और आप किस पे व्लॉग देखना चाहते हो. उडारियां के व्लॉग्स भी आएंगे क्योंकि हमने कल शूट किया था, उसको हमने व्लॉग में भी शूट किया है. हाँ करेक्ट. और मैं और कल भी हम शूट करने जा रहे हैं, कल भी हम शूट करने वाले हैं और उसके बाद भी हम शूट करने वाले हैं रेस्टोरेंट वाला सीन. हाँ उसके बाद भी करने वाले हैं और बहुत सारे सीन आने वाले हमारे साथ में. और हम इंस्टाग्राम पे स्टोरीज भी डालेंगे, प्लीज आप लोग करना. आस्क मी अ क्वेश्चन पे मैं डालूंगी, सजेस्ट मी सम गुड टॉपिक्स फॉर आवर नेक्स्ट यूट्यूब ब्लॉग. तो उस पे आप लोग प्लीज बताना जो भी आप देखना चाहते हो जिस भी टॉपिक पे. सो सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग.